गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर चैप्टर नंबर 6, फिफ्थ चैप्टर कंप्लीटेड एंड टुडे स्टार्टेड चैप्टर नंबर 6, ओके? यस, द चैप्टर नंबर चैप्टर नेम ऑफ मिलो द चेफ, मिलो द चेफ ये चैप्टर का नाम है, यानी मिलो क्या है, द चेफ क्या है, ये अपन इस चैप्टर में जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए अपन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके, यस। वंस देयर वाज ए कैट नेम्ड मिलो। एक बार एक बिल्ली थी जिसका नाम मिलो था। क्या नाम था? मिलो। मिलो लाइव्ड इन ए बिग हाउस विथ ए एन ओल्ड लेडी। मिलो एक बूढ़ी औरत के साथ एक बड़े घर में रहती थी। चैप्टर का नाम है मिलो। तो मिलो किसका नाम है? एक बिल्ली का नाम है। किसका नाम है? बिल्ली। एक बिल्ली होती है और एक गांव में घर में एक बूढ़ी औरत रहती है, उसके साथ में वहाँ मिलो भी रहती है। फिर आगे देखिए क्या होता है। द ओल्ड लेडी लव्ड मिलो वेरी मच। बूढ़ी औरत मिलो को बहुत प्यार करती थी, यानी वह बूढ़ी औरत मिलो को बहुत प्यार करती थी। मिलो हैड ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ फूड एंड फ्लावर्स। मिलो को भोजन और स्वाद की गहरी समझ थी। मिलो जो बिल्ली है उसको भोजन के बारे में गहरी समझ थी कि ये भोजन कैसा है, उसका स्वाद कैसा है, इसके बारे में उसको पूरी समझ थी, यानी सब कुछ जानती थी कि भोजन कैसा है, क्या है, इसका स्वाद कैसा है, ये सब कुछ जानती थी। सी वॉन्टेड टू बी ए चेफ। वह एक बावर्ची बनना चाहती थी। अब ये चेफ आया है, CHEF चेफ, और अपने ऊपर चैप्टर में भी आया है मिलो द चेफ। तो इसमें इसका मीन्स बताए हैं बावर्ची। बावर्ची यानी क्या होता है? भोजन, सब भोजन का सब कुछ रूप जानने वाला। जैसे आप, मैंने बताया आपको कि भोजन के बारे में बिल्कुल समझ थी, तो अपन उसको एक वर्ड में बोलेंगे तो क्या है वह? चेप। यानी भोजन की गहरी समझ, भोजन के बारे में इतना जानती थी कि और कोई नहीं जानता था। ओके, यस। फिर आगे देखिए। सी न्यू एवरीथिंग अबाउट फूड एंड कुल्ड मेक टेस्टी डिशेज। वह भोजन के बारे में सब कुछ जानती थी और स्वादिष्ट व्यंजन बना सकती थी। वह भोजन के बारे में सब कुछ जानती थी और टेस्टी डिशेज, यानी वह सब व्यंजन के बारे में जानती थी। आगे देखिए। बट द लेडी डिड नॉट नाउ मिलोज सेक्रेट। लेकिन महिला को, उस बूढ़ी औरत को पता नहीं था कि मिलो का राज क्या है। अब वह उसके पास तो रहती थी, सब कुछ भोजन के बारे में जानती थी, लेकिन उसकी सेक्रेट के बारे में उसको पता नहीं था, महिला को। फिर आगे क्या होता है? वनडे, एक दिन, सी फेल सिक, वह बीमार पड़ गई। एक दिन वह बीमार पड़ गई। सी हैड टू बी शिफ्टेड टू ए पैलेस वेयर कैट्स वेयर नॉट अलाउड।
उसे ऐसी जगह शिफ्ट किया जाना था जहां बिल्लियों की अनुमति नहीं थी। एक दिन वह बूढ़ी औरत क्या हो गई, बीमार हो गई, और उसको एक ऐसी जगह शिफ्ट यानी स्थानांतरण किया जाना था जहां पर बिल्लियों की अनुमति नहीं थी। अब बूढ़ी औरत तो बीमार पड़ गई, अब बिल्ली उसको खाना वगैरह सब कुछ इसके बारे में जानना, वो बूढ़ी औरत बीमार पड़ गई और उसको एक ऐसी जगह पर शिफ्ट किया जाने लगा जहाँ पर बिल्लियों की अनुमति नहीं थी। बूढ़ी औरत को तो वहाँ शिफ्ट किया जा सकता था बट बिल्ली को नहीं। फिर आगे क्या होता है, द ओल्ड लेडी डिसाइडेड टू फाइंड ए न्यू ओनर फॉर हर कैट। बूढ़ी महिला ने अपनी बिल्ली के लिए एक नया मालिक खोजने का फैसला किया। अब उसका मालिक ये बूढ़ी औरत थी। अब बूढ़ी औरत को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना था तो उस बूढ़ी औरत ने बिल्ली के लिए एक नया मालिक खोजने का फैसला किया। यानी उसने सोचा कि मैं वहाँ चली जाऊँगी तो उसके लिए एक नया मालिक मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। फिर आगे देखिए, सून द फाइंड ए हम्बल पर्सन। जल्द ही उसे एक विनम्र व्यक्ति मिला, एक अच्छा सरल स्वभाव का एक व्यक्ति मिला उस बूढ़ी औरत को। ठीक है, फिर आगे देखिए, सी वॉज रेडी टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिलो। वहाँ मिलो की जिम्मेदारी के लिए तैयार था। जैसे ही इस बूढ़ी औरत ने उसके बारे में बताया कि आप मिलो के मालिक बनोगे, तो वह उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए क्या था, रेडी था यानी तैयार था। तो स्टूडेंट्स आगे देखिए, नाउ मिलो फाउंड ए न्यू ऑनर। अब यहाँ से अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एक बार मैं आपको जनरली बता देता हूँ, एक कैट होती है द मिलो। वहाँ मिलो भोजन के बारे में सब कुछ जानती है, इसलिए उसको क्या 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 कहा जाता है, चेफ। क्या कहा जाता है, चेफ। फिर आगे क्या होता है उसके साथ, यानी एक बूढ़ी औरत उसके ऑनर होती है, वह बीमार पड़ जाती है, उसको स्थानांतरण यानी अलग जगह शिफ्ट किया जाता है, इसलिए उसका ऑनर यानी बिल्ली का मालिक वह चेंज कर दिया जाता है, यानी बिल्ली दूसरों को सौंप दी जाती है एक विनम्र व्यक्ति को। कैसे व्यक्ति को, विनम्र। फिर इस बूढ़ी औरत और बिल्ली के साथ क्या होता है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। रही बात आपके होमवर्क की, होमवर्क आपको मिटसी और पेरेंट्स ऐप पर मिल जाएगा। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।